Like a Hellcat. तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है शुभ्रायन और आज मैं कोई गेम प्ले वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूँ। मतलब ये बैकग्राउंड में जो वर्ल्ड है ये 100 एपिसोड वाला ही वर्ल्ड है, पर ये वैसा कोई गेम प्ले के ऊपर फोकस किया हुआ वीडियो नहीं होने वाला है। आज मैं थोड़ा सा हटके कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए ये जो आज का जो वीडियो है ये होने वाला है एक स्टोरी टाइम वीडियो। तो रिसेंटली याद होगा तुम लोगों को, आज से 7 दिन पहले मैंने एक ब्रेक ले लिया था 7 दिन का, और उस दिन जो है कुछ चीज़ें हुआ था मेरे साथ। तो वही जो चीज़ें हैं वो मैं तुम लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने जो है 7 दिन का ब्रेक लेने का डिसाइड कर लिया। तो तुम लोग जो लोग मुझे बहुत दिनों से देख रहे हो, जो कि मेरा वीडियोस जो है बहुत पहले से देखते हो, तो उन लोगों को पता होगा कि मैं जो है ऐसा जो है बड़ा बड़ा ह्यूज गैप जो है अपने वीडियो में चैनल में कभी आने नहीं देता हूँ। मैं जितना हो सके रेगुलर वीडियो जो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, पर ऐसा क्या हो गया था उस दिन कि मैंने जो है डिसाइड कर लिया कि मैं 7 दिन तक जो है कोई वीडियो नहीं अपलोड करने वाला हूँ। तो वही मैं इस वीडियो में आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को मुझे लेके जाना पड़ेगा जिस दिन ये सब कुछ शुरू हुआ उस दिन में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 22 मई की। तो 22 मई को शुरुआत से शुरू करते हैं ना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो 22 मई को सुबह को बज रहे हैं 7, मैं आराम से जो है अपने बिस्तर पर सोया हुआ हूँ। मुझे किसी चीज़ का फिक्र नहीं है, मुझे पता है कि वीडियो मेरा रेडी है, सिर्फ मुझे एडिटिंग करना है, उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है और मुझे वो अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है एक छोटा सा लाइव स्ट्रीम भी करना है। तो मुझे कुछ बात की उस बात की उतना ज़्यादा फिक्र नहीं था, तो मैं सिंपली जो है मैं सोया हुआ था। पर तभी मुझे मेरे फ़ोन में एक कॉल आता है। वो जो कॉल है वो क्या होता है, मेरे दोस्त ने, कॉलेज का एक फ्रेंड था, उसका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, तो कोई नहीं, उस कॉल करता है, कॉल करके मुझे बताता है कि भाई तो कॉलेज वालों ने बोला है कि कल जो है एक असाइनमेंट दिया गया था, उसको तुम लोगों को जो है उसके बाद वाले दिन जो है सबमिट करना है, मतलब 22 मई को सबमिट करना है, मतलब एक दिन के अंदर अंदर असाइनमेंट जो है पूरा लिख के कंप्लीट करके सबमिट करना है। और वो मुझे सुबह को ऐसे कॉल करके बता रहा है, और उसके पास जो है वो जो असाइनमेंट था नहीं, इसलिए उसको लगा कि मेरे पास वो असाइनमेंट जो है होगा, तो उसने इसलिए मुझे कॉल किया था, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलता। तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास भी नहीं है, उसको मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हें मिले तो मुझे बताना, मुझे देना। तो अभी जो टास्क है वो मेरा जो है और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था। तो मैंने सोचा कोई नहीं, असाइनमेंट तो ज़्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं होगा, और ये असाइनमेंट मतलब ऐसा कोई असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 नंबर का एक असाइनमेंट होगा, वहाँ पे 6 या 7 पेज में लिख दूँगा तो काम हो जाएगा। तो उतना मैंने फिक्र नहीं किया और मैं सिंपली फिर से सो गया। तो ठीक 8:30 बज रहे थे तब मेरे पास एक और कॉल आया, वो भी मेरे एक दोस्त के तरफ से ही था। तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि आज भाई एक फ़ुटबॉल का मैच है और मुझे वहाँ पे खेलना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे आना ही पड़ेगा। तो मतलब मैं उसको मना भी नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि भाई हो जाएगा, कंप्लीट सब कुछ हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने उसको हाँ भी कर दिया और उसने काट भी दिया। तो अभी मुझे किसी भी हालत में 10:30 से पहले अपना जो वीडियो है उसको एडिटिंग करके उसके ऊपर वॉइस ओवर डाल के उसको अपलोड करना है, क्योंकि ये शेड्यूल्ड वीडियो है, तो उसको तो मुझे अपलोड करना ही है, किसी भी हालत में उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। उसके बाद जो है लाइव स्ट्रीम है उसको भी मुझे करना है, जिसमें टाइम लगेगा कम से कम मुझे 1 घंटे का तो लाइव स्ट्रीम वहाँ पर है ही। तो 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम मतलब 11:30 से लाइव स्ट्रीम मैं स्टार्ट करता तो वो चलता पूरा का पूरा 12:30 तक। तो उसके बाद 12:30 मैं वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करके वापस आता, उसके बाद तुम लोगों को वर्ल्ड जो डाउनलोड है वापस नहीं आता, वर्ल्ड जो डाउनलोड है उसको वो भी अपलोड करना था, सब कुछ करना था। तो मुझे लगा कि ये 2 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद 2 बजे मैं घर आके नहा धा के सब कुछ करके जो है मैं असाइनमेंट लिखने बैठूंगा, और असाइनमेंट जो है वो 6 या 7 पेज का असाइनमेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो लिखने में कितना टाइम लगेगा, तो वो 2 बजे या 2:30 बजे तक जो है असाइनमेंट लिखना मेरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो यही मैंने सोच के रखा था, पर अभी तक मेरा जो असाइनमेंट है वो मैंने इकट्ठा नहीं किया था, किसी भी दोस्त ने अभी तक मुझे असाइनमेंट जो है मुझे नहीं दिया था। तो मैंने सोचा सब कुछ हो जाएगा, तो मैंने एडिटिंग करने बैठ गया, मैं अपना एडिटिंग उठ के थोड़ा बहुत नहा फ्रेश होके मैं एडिटिंग करने बैठ गया, और एडिटिंग कंप्लीट भी हो गया। ज़्यादा मुश्किल कुछ एडिटिंग में मेरा नहीं होता है, मैं ज़्यादा से वॉइस ओवर ही करता हूँ उसके ऊपर, और थोड़ा बहुत इधर उधर काटना मटना ये सभी होता है। तो कंप्लीट एडिटिंग मेडिटिंग कंप्लीट हो गया, सब कुछ करने में मुझे टाइम लग गया, एक्सपोर्ट करने में टाइम लग गया, बच गया 10।
तो 10 बजे अभी आधा घंटे में मुझे जो है वीडियो जो है उसको अपलोड करना है, क्योंकि शेड्यूल अपलोड है उसको अपलोड करना है, और जो ये जो वर्ल्ड है उसको भी अपलोड करना है, और उसके साथ साथ एक थंबनेल बनाना है, और मुझे लाइव स्ट्रीम का भी थंबनेल बनाना है। आधा घंटे के अंदर अंदर मुझे ये इतना सब कुछ करना था। तो मैंने सिंपली जो है, तुम लोगों को पता होगा मेरे घर में जो है वाईफाई नहीं है, मैंने क्योंकि यहाँ पे जो है अभी तक वाईफाई अवेलेबल हुआ ही नहीं है, तो अवेलेबल नहीं होने की वजह से मुझे एक मेरे पापा के दुकान में जो है वाईफाई लगाना पड़ गया, और वहाँ पर मुझे जाना पड़ गया, और ज़्यादा दूर भी नहीं है मेरे दुकान, तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है साइकिल से, तो मैं चला भी गया। वहाँ पे जाके मैंने वीडियो तो अपलोड कर दी सक्सेसफुली, 10:30 बजे से पहले वीडियो अपलोड हो चुका था, पर थंबनेल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने वहाँ पे शेड्यूल करके जो है वीडियो प्रीमियर पे दे दिया। उसके बाद जो है जब तक वीडियो जो है प्रीमियर हो रहा था, क्योंकि मैं प्रीमियर में मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे मेरा जो वर्ल्ड है वो मैंने अपलोड करना भी था डाउनलोड लिंक देने के लिए, तो जब तक डाउनलोड जो प्रीमियर है वो कंप्लीट हो रहा था तब तक मेरा जो डाउनलोड वर्ल्ड का डाउनलोड है वो भी मैं जो है अपलोड करने बैठ गया। पर इसी वक्त जो है कुछ बुरा होना था। क्या बुरा हुआ? वहाँ पे जाके मैं जैसे ही अपलोड करने के लिए बैठाया, लाइन चला गया। जी हाँ, मतलब वहाँ पे उतना ज़्यादा लाइन जाता भी नहीं, करंट की बात कर रहा हूँ, करंट उतना ज़्यादा जाता भी नहीं है, पर करंट चला गया। तो मैं क्या करूँगा सोच के बैठ रहा हूँ कि डाउनलोड लिंक तो देना ही पड़ेगा, वरना जो प्रॉमिस है वो फुलफ़िल नहीं होगा और तुम लोगों की नज़रों में मैं ख़राब हो जाऊँगा। तो ये मैं सोच ही रहा था कि उसी वक्त जो है करंट फिर से वापस आ गया। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, अच्छी बात है, वापस आ गया, इसके बारे में अभी सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, जो अपलोड है उसको जो है कंटिन्यू करता हूँ। और तब तक जो प्रीमियर वो ख़त्म भी नहीं हुआ था इसलिए मुझे उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ। तो प्रीमियर ख़त्म होने से पहले जो जो वर्ल्ड है वो अपलोड कंप्लीट हो गया था, और उसका जो डाउनलोड लिंक है मैंने वहाँ पे जो है वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में मैंने दे भी दिया था। तो ये काम जो है अभी कंप्लीट हो चुका था, इसके बाद वाला जो काम है वो अभी स्टार्ट करना था, और जो कि है लाइव स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो है एक और दिक्कत आया मेरे, जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया उसके 2 मिनट, जी हाँ 2 मिनट नहीं, 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गया, 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर फिर से जो है करंट चला गया। और क्योंकि वाईफाई जो है पूरा का पूरा करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जैसे ही करंट चला गया वाईफाई जो है बंद हो गया और लाइव स्ट्रीम जो है वो भी बंद हो गया। तो मेरा जो प्लान था लाइव स्ट्रीम करने का ये एकदम चौपट हो गया। मैं वहाँ पे सीधा पूरा एक मैं मतलब पूरा बैठा रहा कि कब करंट जो है वापस आएगा, और सब कुछ मैं करूँगा, लाइव स्ट्रीम करूँगा। मैं वहाँ पर बैठा रहा पूरा 1:30 बजे तक, मतलब वहाँ पे एकदम बैठा रह गया, पर करंट जो है वापस आया ही नहीं और लाइव स्ट्रीम जो है करना पॉसिबल ही नहीं हुआ मेरा। पर कोई नहीं, ये तो इतना तो काम तो बनता है। उसके बाद जो है अभी भी जो है ख़तरा बाकी था मेरे लिए, अभी भी जो है दो बहुत बड़े बड़े जो टास्क है वो बचे हुए थे, जो जिसमें से एक था मेरा असाइनमेंट और दूसरा था शाम का मैच जो फुटबॉल का मैच है। तो कोई नहीं, मैं घर आया वापस, मेरा घर आते आते बज गया था 2 बजने में, शायद कुछ 10 या फिर 15 मिनट बाकी था। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लिया, थोड़ा खाना वाना खा लिया, और उसके बाद मैं असाइनमेंट अपना जो है इकट्ठा करने के लिए बैठ गया। अपने सारे दोस्तों को मैं कॉल कर रहा हूँ, किसी के पास भी असाइनमेंट जो है नहीं था, और मतलब तुम लोग सोच लो मेरा असाइनमेंट में मैं एक क्वेश्चन दिया था, और वो जो क्वेश्चन है वो मुझे वही वाला उसका आंसर लिखना था जो कि उन्होंने लिखाया था। दूसरा अगर आंसर लिखूंगा तो वो असाइनमेंट जो है वहाँ पे मुझे नंबर नहीं मिलेगा। तो मुझे जो है कुछ भी करके किसी भी हालत में उनका जो लिखा हुआ वो जो आंसर था वही मुझे इकट्ठा करना है। तो इसी हाल मुझे ढूंढने बैठ गया। और एक चीज़ तो मैं पहले बताना ही भूल गया कि उसका जो असाइनमेंट है उसका जो है सबमिट करने का एक टाइम लिमिट था, और वो टाइम लिमिट था 3:30 बजे। तो मैं ऐसे ही असाइनमेंट जो है ढूंढ रहा हूँ और टाइम जो है जाता जा रहा है। तो करीबन बज रहे हैं 3:00 बजने में 10 या फिर 15 मिनट शायद बाकी था, तब मुझे एट लास्ट एक दोस्त से मुझे असाइनमेंट जो है मिल गया। तो जैसा मैंने सोचा था असाइनमेंट उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 7 पेज का ही था। तो मैं लिखने बैठ गया और फुल स्पीड में लिखना भी स्टार्ट कर दिया, और तुम लोग यकीन नहीं करोगे 7 पेज मैंने 25 मिनट में पूरा 7 पेज जो है लिख डाला, इतना स्पीड में लिखा मैं। 25 मिनट में लिख के मैंने उसको PDF में अपलोड करके स्कैन करके सब कुछ करके जो है टाइम टाइम करके मैंने असाइनमेंट जो है जमा भी कर दिया कॉलेज में। तो यहाँ तक भी अभी तो
काम जो है ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी बज रहे थे जब अपलोड करके उठा तब बज रहे थे 3:30 बजे। तो मुझे जो है मैच जो है था, मेरा सॉकर का मैच था, फुटबॉल का मैच था, वो था 4 बजे से। तो आधा घंटे में मेरा मैच जो है स्टार्ट होने वाला है, मैं अभी तक घर से भी बाहर नहीं निकला हूँ, और मुझे जो है मैच खेलने के लिए जाना था बहुत दूर, लिटरली मुझे साइकिल से वहाँ पर जाने के लिए लगता आधा घंटा, और 3:30 यहाँ पे ऑलरेडी बज रहे हैं, 4 बजे मुझे वहाँ पे मैच खेलने के लिए जाना पहुँचना ही है कुछ भी करके। तो मुझे तो लगा मैं तो गया, मैं कुछ भी करके मतलब फुल स्पीड में अपना जितना स्पीड हो सके साइकिल में चला के वहाँ पे पहुँचा। तो डेफिनेटली मैं टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया था, मतलब टाइम पे मतलब बेयरली पहुँचा था, मतलब शुरू होने से थोड़ा सा पहले ही पहुँचा था, और जाके हम लोग मैच खेले और मैं जीत भी गया, और हम लोग जीत भी गए, 5-1 से जीते हैं हम लोग। उन लोगों ने सिर्फ एक ही गोल जो है कर पाया था, और हम लोगों ने 5 गोल दे डाले थे। और जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं फ़ुटबॉल में किस पोजीशन में खेलता हूँ, तो मैं बता देता हूँ, मैं खेलता हूँ डिफेंस में, और क्योंकि मेरा हाइट जो है बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा हूँ मैं, तो मुझे डिफेंस में जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कहाँ जहाँ से भी बॉल निकले मैं जो है आराम से खड़े होके भी बॉल को पकड़ सकता था, इसलिए हम लोग जो है आराम से मैच जो जीत गए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अभी बात है, मैंने वीडियो के मैंने क्यों बोला कि अनलकीस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो ये इसलिए था कि मैं सब कुछ अच्छा हुआ कि मेरा जो मैच है वो भी अच्छे से गुजर गया, असाइनमेंट जो है वो भी हो गया, और लाइव स्ट्रीम जो है वो नहीं हो पाया, पर वीडियो अच्छे से अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया। पर अभी जो है मेन जो पंगा था वो अभी भी बचा हुआ था, और वो है कि जैसे ही मैं मैच खेल के वापस आया, अपना फ़ोन जो है बिस्तर पर रख के मैं हाथ पाँव धो के वापस आके जो अपना फ़ोन जो है मैंने जैसे ही उठाया, देखा कि वो जो है रेडमी बोल के स्टक हो गया है, मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ चुका था, और इसी वजह से जो है मैं 7 दिन का जो वीडियो गैप जो है मुझे देना पड़ गया, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया था, और मेरे पास PC कुछ भी नहीं है, तो मेरा जो फ़ोन है इसके ऊपर ही सब कुछ मैं करता हूँ, तो इसीलिए जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था 7 दिनों से, यही रीज़न था। तो तुम लोग जो वीडियो देखते हो, जिन लोगों को लगता है कि यूट्यूबर्स की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आसान होता है और उनके दोनों हाथ पे जो है मक्खन होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और उनके लिए तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल है, और जो कॉलेज करते हैं उसके साथ भी साथ साथ जो है यूट्यूब भी उसका मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। और इतना मेहनत करके उस दिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद भी उस वीडियो में कितने लाइक्स आए, 66, सिर्फ 66 लाइक्स। तो भाई प्लीज़, अगर चाहते हो कि ऐसे ही जो वीडियो कंटिन्यूसली आते रहे, तो वीडियो को लाइक किया करो, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो भाई कोई नहीं, तो मोबाइल अभी पूरा का पूरा फिर से ठीक हो चुका है, और वीडियो जो है अभी अपने टाइम पे जो है कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को या शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले न्यू गेमिंग एपिसोड में। गुड बाय।